तो काफी लोगों को पूछना है कि तुम अपनी माइंड का वीडियोस कैसे रिकॉर्ड करते हो और कैसे वॉइस ओवर करते हो। तो गाइज आज की वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, कौन से ऐप से रिकॉर्डिंग करता हूँ, कौन से ऐप से मतलब मैं एडिटिंग करता हूँ, सब कुछ मैं बता दूंगा आज। और हाँ, जिसने भी तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जूता चप्पल मार दो खींच के यार। तो स्टार्ट करते हैं वॉइस ओवर से, मैं कैसे वॉइस ओवर करता हूँ अपने वीडियोस का। तो मैं अपने वॉइस ओवर के लिए कोई एडिशनल रिकॉर्डर यूज नहीं करता, जिस ऐप से मैं एडिटिंग करता हूँ उसी ऐप से कैसे अपनी वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ। एंड गाइज आप लोग पूछते कि आपकी वॉइस क्रिस्टल क्लियर कैसे आती है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है। कोई मैं इसमें कुछ एडिटिंग वगैरह नहीं करता, अपनी वॉइस में रियल वॉइस है वही मैं डालता हूँ। एंड काफी लोग गाइस ऑडियो लेक्सिस यूज करते हैं, वो भी अच्छा है, बट मैंने एक बार उसको यूज किया था, मेरे में बिल्कुल भी सही से वर्क नहीं किया, इसलिए मैंने आज तक उसको यूज नहीं किया दोबारा। क्या मतलब मेरे को यूज करना नहीं आता हो। तो अभी कुछ पॉइंट बता देता हूँ वॉइस ओवर करने का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी आपको ऐसी जगह पे वॉइस ओवर नहीं करना जहाँ पर बहुत ज्यादा नॉइज हो और आपके बैकग्राउंड से नॉइज आती हो। आपको ऐसी जगह वॉइस ओवर करना जब बहुत ज्यादा शांत हो एंड जहाँ पर बिल्कुल भी बैकग्राउंड नॉइज ना आती हो। एंड गाइस कुछ लोग सिटी में रहते हैं जहाँ पर हर टाइम गाड़ियों की हॉर्न की आवाज आती रहती है, तो कैसे आप रात के टाइम आराम से वॉइस ओवर कर लिया करो, कि रात के टाइम बहुत कम नॉइज हो जाती है, तो रात के टाइम वॉइस ओवर कर लिया करो आप लोग। तो अभी बात कर लेते हैं मैं किस ऐप से अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ। क्योंकि आज से एक दो महीने पहले तो कैसे मेरे सिस्टम मतलब जो मेरे फोन के साथ रिकॉर्डर आता है ना, मैं उससे करता था, बट उसमें क्वालिटी ब्लर हो जाती है, तो मैं प्रीफर करूंगा आप उससे मत ही करना, क्योंकि उससे क्वालिटी खराब होती है। मैं आपको एक ऐप सजेस्ट करता हूँ उससे क्या करूँ। तो गाइस मैं यूज करता हूँ अभी के टाइम में ग्लिप, जिसमें आप लोग 4K तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 4K में ही रिकॉर्डिंग करता हूँ, बहुत ही मस्त क्वालिटी आती है उसकी। और हाँ गाइस काफी लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि लैग तो नहीं करेगा लाइक हम 4K में रिकॉर्डिंग करें, तो ऐसा कुछ नहीं होता। स्टार्टिंग के 1-2 सेकंड या 10 सेकंड लैग करेगा, उसके अंदर बिल्कुल नॉर्मल चलने लगता है। तो काफी लोग पूछ रहे थे तुम थंबनेल कौन से ऐप से बनाते हो, आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है थंबनेल की। तो गाइस मैं बनाता हूं पिक्सल लैब और पिक्सआर्ट से थंबनेल। और हाँ गाइस आप लोग लाइट रूम भी यूज क्या करो, उससे गाइस क्वालिटी आप बहुत अच्छी कर सकते हो अपनी फोटो की। और हाँ गाइस आप पिक्सआर्ट का प्रीमियम वर्जन डाउनलोड कर लेना, यूट्यूब पे वीडियो देख लेना अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता, वरना आप गूगल से डाउनलोड कर लेना डायरेक्ट जाके, क्योंकि इसमें आपके काफी सारे फीचर अनलॉक हो जाते हैं बिल्कुल फ्री में। सो गाइस अभी बात आती है मैं एडिटिंग की, मैं अपने वीडियो की एडिटिंग वगैरह कैसे करता हूँ। सो गाइस मैं एडिटिंग के लिए यूज करता हूँ कैपकट, क्यों कैपकट में बहुत अच्छे अच्छे फीचर होते हैं, जिनसे गाइस आप लोग बहुत अच्छी एडिटिंग कर सकते हो। और इसमें आपको काफी अच्छे अच्छे इफेक्ट्स मिल जाते हैं, और इसमें आपको वॉइस है ना, वॉइस का नॉइज भी आप इसको हटा सकते हो उससे। सो गाइस इस वीडियो में आपको एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं सिखाने वाला, बिकॉज गाइस मैंने इसके लिए अलग सी वीडियो बना रखी है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको और कमेंट सेक्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो उसको देख लेना इस वीडियो के बाद, तो भी मतलब काफी अच्छी वीडियो, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा उससे। और हाँ गाइस जो कैपकट में जो एक्सपोर्ट की क्वालिटी होती है ना, ये बहुत अच्छी होती है, इसमें 4K तक एक्सपोर्ट कर सकते हो अपनी वीडियो को। सो आई होप गाइस आप लोगों को समझ आ गया कि मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग किस हिसाब से करता हूँ, कौन से ऐप यूज करता हूँ। आप लोग भी इन ऐप्स को यूज करके बहुत अच्छी एडिटिंग कर सकते हो। और गाइस आगे से अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी कि आप कैसे बहुत अच्छी एडिटिंग कर सकते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना हमारे। सो यार सी यू अगेन, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।